एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। सो गाइस, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई है बिकॉज मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो मैं ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर पा रही हूँ। बट आप लोगों के लिए मैं एक आर्ट वीडियो लेके आई हूँ। ये ब्लॉग चैनल है आई नो, बट अभी हम लोग ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर सकते। सो गाइस, हम नॉर्मल इन चीज़ों का यूज़ करके बनाएंगे। गाइस, आउटलाइनिंग के लिए हम ये डॉम्स की पेंसिल रेजर शॉर्पनर स्किल्स यूज़ करेंगे। गाइस, मैं डॉम्स का मटेरियल ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छा आता है और ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता। तो चलिए अब इसको। सो गाइस, ये राम जी का फोटो है जो हम लोग बना रहे हैं, तो ये हमारा कुछ इतना कंप्लीट हो गया है। सो गाइस, अभी तो मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। देख सकते हो आप, मेरे वॉलपेपर में भी वही पोर्ट्रेट है। अभी हम लोग सो जाते हैं। सो गाइस, मतलब सीरियसली मुझे लग रहा था कि बहुत इजी है स्केच, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है इसमें। बट स्केच जो है कंप्लीट हो चुकी है, बट अब उसमें मुझे कलरिंग करना है जिससे डिटेलिंग अच्छे से दिखेगी और मतलब जो हाइलाइट्स हैं, शेड्स हैं, डार्क शेड्स, वो सब अच्छे से दिखेंगे। सो गाइस, ड्रेसिंग के लिए हम हॉस्पिटल आए हैं। ड्रेसिंग हो गई है क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था, उससे आगे मैं रेस्ट कर रही थी। तो अभी हम लोग वापस लग गए हैं, मैंने टेबल लगा लिया और अभी हम लोग हमारी ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे। तो गाइस, मैं फटाफट से कंप्लीट करके और फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, ये बन के रेडी हो चुके हैं। बट मैंने इनको बना तो लिया है, बट अब हम लोग इनको कलर करेंगे। और आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, ये इसलिए क्योंकि मेरे मन में कुछ अलग टाइप की डिज़ाइनिंग भी आ रही थी मुकुट पर और ये जो ज्वेलरी है इस पर। तो इनको अब हम इनको कलर करेंगे। सो गाइस, अभी हम ये जो पोर्ट्रेट हम बना रहे हैं, ये फ़ोटो, इसमें हम कर रहे हैं ये शेड्स का यूज़ फेस में हम लोग इन शेड्स का यूज़ कर रहे हैं। शेडिंग होती है ऑब्जर्वेशन से, तो थोड़ा बहुत अंदाजा आप लगा सकते हो उसको देख के, बाकी तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे एक वीडियो मैं डाल देती हूँ, आप ये वीडियो देखते रहना किस टाइप से मैं शेडिंग कर रही हूँ। एंड गाइस, मेरा ये बेड है, मैं यहाँ पे बैठकर ड्राइंग कर रही थी। सो गाइस, मैं फटाफट से सेट कर देती हूँ और आप लास्ट तक देखना, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। तो मैं फटाफट से सेटिंग कर देती हूँ एंड आप लोग देख लो।